अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शबनम हयात किचन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे विंटर स्पेशल हरी मिर्च का अचार, जो कि बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। घर के मसालों से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। ये हम देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, किस तरीके से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। इसे बनाने के लिए यहाँ पर लिए हमने 1 किलो मिर्चें, जिन्हें हमने अच्छे से धो लिया था। धो के रात भर हमने रख दिया था 6 दिन, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। उसके बाद हमने कपड़े से साफ कर लिया है। अगर हमारे मिर्चों में थोड़ा बहुत पानी रहेगा तो हमारा अचार खराब हो जाएगा। इस तरीके से हम कट कर लेंगे, आप कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डालना है 2 नींबू का रस, 5 चम्मच डालना है हमें नमक। नमक और नींबू को अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरीके से बाउल को उठाते हुए इस तरीके से टॉस करेंगे, ताकि जो हमारा नमक है और नींबू अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, यहाँ पर हमने मिर्चों के साथ हमने नमक और नींबू को मिक्स कर लिया है। यहाँ पर लगाएंगे फॉइल पेपर। फॉइल पेपर लगाने के बाद 3 से 4 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है अपनी मिर्चों को। ये देखिए, आप यहाँ पर इसे धूप में भी रख सकते हैं, ताकि झटपट से आपका अचार तैयार हो जाए जल्दी से खाने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर हमने मिर्चों को 3 से 4 दिन के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। यहाँ पर हमारे नमक और नींबू ने कितना सारा पानी भी छोड़ दिया, हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें करना है मसाला तैयार। इसका मसाला देख लेते हैं हम किस तरीके से बनाएंगे। इसे रखते हैं हम साइड में। यहाँ पर लेंगे एक फ्राई पैन। फ्राई पैन में डालना है हमें 8 चम्मच सौंफ डालनी है, 8 चम्मच डालनी है यहाँ पर राई, जो बिल्कुल बारीक वाली आती है। आप यहाँ पर काली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर डालना है हमें 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच डालेंगे धनिया, 2 चम्मच डालनी है हमें मेथी दाना। ये देखिए, सारे मसाले हमने अपने फ्राई पैन में डाल दिए। अब यहाँ पर हम 2 मिनट के लिए अपने मसालों को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए, मसाले हमारे पिसकर तैयार हो गए। अब यहाँ पर इन्हें एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद डालनी है हम यहाँ पर 2 चम्मच हल्दी डालेंगे, यहाँ पर 3 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर अमचूर पाउडर, और 1 चम्मच डालनी है हमें यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर या फिर देगी लाल मिर्च पाउडर। 1 चम्मच डालेंगे नमक। नमक हमने अपने मिर्चों में भी डाला, थोड़े हिसाब से डालना है। अब यहाँ पर डालना है हमें 1.5 कप सरसों का तेल, जिसे हमने गर्म करके ठंडा करके रखा हुआ था। अब अपने मसालों को तेल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर एक बड़े बाउल में लेके अपनी मिर्चों को ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर मसाला भी ऐड कर देंगे। अब मिर्चों को मसाले को अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर देना है। ये देखिए, हमारे मिर्चों का माशाल्लाह कलर अचार का। यहाँ पर डाल देंगे एक चम्मच डालेंगे यहाँ पर कलौंजी। कलौंजी से कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, माशाल्लाह हमारे मिर्च का अचार तैयार हो गया है। हमारी रेसिपी आपको पसंद है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर। अब यहाँ पर अपने मिर्चों के अचार को हम एक बाउल में, सॉरी बाउल में नहीं, कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे। और यहाँ पर से साल भर भी आपका अचार खराब नहीं होगा। इसे थोड़ा सा तेल में डुबो के रखना है, जो बाकी बचा हुआ तेल आधा कप उसे हम डाल देंगे ऊपर से। ये देखिए, अपने मिर्चों का अचार हमने कंटेनर में डाल दिया। अब यहाँ पर बचा हुआ तेल भी डाल देंगे, जो हमारा बचा हुआ तेल है। उम्मीद करती हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।